तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म आर्थ को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म ने बीते कुछ वक्त में कितना कलेक्शन कर लिया है, क्या फिल्म हिट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है ये फिल्म हिट हो गई है। एवरेज रेट आप कह सकते हो जहाँ पर इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर करके कुछ करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया है। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि फिल्म कैसी है, क्या रिस्पॉन्स मिला और इसका ऑल ओवर कलेक्शन क्या हो चुका है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, आर्थ मूवी काफी शानदार रही, पब्लिक की तरफ से इसको बेइंतहा प्यार मिल रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्स कर रही है इस फिल्म को लेकर, और वाकई ये बात एक्सेप्ट किए पब्लिक ने कि मूवी हो तो ऐसी हो अदरवाइज नहीं। बॉलीवुड जो कहीं खो चुका था वो ऐसे लौट के आ रहा है छोटे छोटे कलाकारों की तरफ से एक अलग ही अंदाज में। अब ऐसे में बात करें कलेक्शन को लेकर, तो फिल्म प्रीमियर कर रही है जाने माने OTT प्लेटफॉर्म G5 पर, जहाँ पर उसको रिलीज हुए 4 दिन हो चले हैं। कलेक्शन की बात आती है तो आज कल के कंपैरिजन में ड्रॉप आ रहा है 20-25% का, और ये फिल्म कलेक्शन कर रही है कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि इस फिल्म का जो कलेक्शन हो चुका है बीते कुछ 4 दिनों के अंदर अंदर OTT से हो चुका है तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास। वहीं पर आपको बता दूँ जिसका बजट है वो है 8 करोड़ की रेंज में, यानी कि इस फिल्म ने अबाउट 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है कम से कम अभी तक। रेटिंग में आपको नजर आ रहे हैं राजपाल यादव और इनके अलावा हितेन तेजवानी, फीमेल तौर पर नजर आ रही है रुबीना तलेक, बिग बॉस सीजन 14 की विनर। आपको फिल्म कैसी लगी और परफॉर्मेंस आपको सबसे बेस्ट किसकी लगी कमेंट में आपकी राय मेंशन कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर था रुबीना तलेक का वो मेरे को इनअप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि उस कैरेक्टर में वो बिल्कुल भी बोलते ना फिट नहीं बैठ रही है किसी भी एंगल से, आप ये चीज़ खुद देख सकते हो। फिर भी उन्होंने काम अच्छा किया है, मैं एक चीज़ कहकर अप्रिशिएट कर सकता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।